हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी कि किडनी हमारी कैसे जान बचा सकती है और वो क्या कंडीशन होती है जिसके थ्रू किडनी हमारी बॉडी के भी फंक्शन को कंट्रोल करती है ना। इसके थ्री मेथड है एक्चुअल में, कौन कौन से हैं? बाय हाइपोथैलेमस, दूसरा है बच्चों बाय जेजी सेल जिसका दूसरा नाम क्या है, रास मैकेनिज्म आर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्लियर है। थर्ड वन इज बाय हार्ट। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं ये सबको, लेकिन चार्ट की हेल्प से मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। जो बाई हाइपोथैलेमस है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, यानी बाई जेजी सेल कैसे किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है एंड थर्ड वन इज बाई हार्ट, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर क्या हो कि आपका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, है ना, ब्लड फिल्टर कम होगा। सेकंड थिंग, अगर क्या हो आपका बीपी कम हो जाए या फिर आयनिक बैलेंस जो है वो भी कम हो जाए, है ना, बॉडी में आयन कम हो जाए, उस केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर ये सब हुआ उस केस में एक्टिव हो जाएंगे बच्चों जेजी सेल, क्या एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगी जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। जैसे ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिव होती हैं, ये सेक्रीट करती हैं एक हार्मोन। ये क्या सेक्रीट करेंगे, एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, रेनिन, ठीक है। याद रखिएगा ये स्टमक वाला रेनिन नहीं है जो कैसीनो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये अलग है, उसमें डबल एन होता है, इसमें सिंगल एन है। अब जैसे ही रेनिन सेक्रीट होता है तो ये क्या करता है, जरा समझिए, एंजियोटेंसिनोजेन को किसमें चेंज कर देगा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, तो रेनिन कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा रेनिन कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो किसके थ्रू सेक्रेट होता है, किडनी के थ्रू, तो इसको चेंज करके लास्ट में, याद रखिएगा किसी के भी लास्ट में जेन आ जाए तो वो क्या होगा, एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन वगैरह होगा या एंजाइम होगा, जैसे फाइब्रिनोजेन है ना, एक इनएक्टिवेटेड है, या फिर स्टार्ट में प्रो आ जाए तो भी इनएक्टिवेटेड होगा, जस्ट लाइक मैं बोलूं कि प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, है ना, ये सब क्या इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, है ना, या तो स्टार्ट में प्रो आ जाए या फिर लास्ट में जेन, तो ये इनएक्टिवेटेड था, है ना, एंजियोटेंसिनोजेन, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर दिया, यानी एक्टिव कर दिया किसने, रेनिन ने। जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है ये चेंज हो जाता है बच्चों किसमें, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कैसे चेंज हुआ, यहां पर भी एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसमें चेंज कर दिया बताइए, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। सर सवाल ये है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये किससे सेक्रीट होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सेक्रीट होता है किससे, लंग्स से, ठीक है, याद रखिएगा। तो लंग्स ने क्या सेक्रीट किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज कर दिया। अब याद रखिएगा एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो मतलब क्या, ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या, ब्लड के जो ब्लड वेसल्स होती है उसके वॉल्यूम को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, छोटा कर देगा। तो ब्लड वेसल जो है हमारी आर्टरी वगैरह उसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा है तो उसका धीरे धीरे छोटा कर देगा। अब जैसे ही छोटा हो गया, ल्यूमेन पतला हो गया, उस केस में बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। चलिए, तो जैसे ही ये एंजियोटेंसिन बना वैसे क्या करेगा, बीपी क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। साथ ही साथ और क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये एक्ट करेगा किस पर बच्चा, एक्ट ऑन किस पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो इसमें दो रीजन होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड किस पर काम कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, तुरंत सेक्रीट करता है, क्या सेक्रीट करेगा बच्चों, एक हार्मोन जिसका नाम क्या, एल्डोस्टेरोन।
अब ये एल्डोस्टेरोन किस पर काम करेगा? एक्ट ऑन डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और वहां से बदले में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट किया तो इसने किस पर काम किया? डीसीटी और सीटी पर, और वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया और सोडियम आयन को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब किया तो आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ? देखिए, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं सर बीपी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। जब बीपी इंक्रीज हो गई तो हम कह सकते हैं कि जीएफआर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जेजी सेल क्या करती है? आपकी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है, बदले में किडनी आपकी जान बचाती है। क्लियर है? चलिए, आई होप सो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। सुनिए, अब चलिए देख लेते हैं हार्ट कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी का थर्ड मैकेनिज्म, है ना। कौन सा? कि कैसे हमारा जो हार्ट है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब क्या? कंट्रोल करता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर क्या हो, आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाए या फिर बीपी इंक्रीज हो जाए, है ना। अगर बीपी इंक्रीज हुआ तो किडनी और हार्ट को ब्लड ज्यादा सप्लाई होगा, उस केस में आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर किडनी फेल हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। उस केस में आपकी बॉडी आपको कैसे बचाएगी, इस चीज को समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, या फिर क्या एक कंडीशन और क्या, रास मैकेनिज्म, इससे पहले जो आपने पढ़ा, अगर वो इंक्रीज हो जाए उस केस में क्या होगा? ये चीजें अगर होंगी तो ये एक्टिवेट करते किसको? वॉल ऑफ एट्रिया को। ये हमें पता है हार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या बताइए? राइट एट्रिया है ये क्या है? लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है? वेंट्रिकल है। ये कौन सा? राइट वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं सिर्फ बोल रहा हूं वॉल ऑफ एट्रिया, है ना, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो होते हैं इनकी वॉल से सेक्रीट होता एक हार्मोन। क्या सेक्रीट होगा? एक हार्मोन जिसका नाम है एएनएफ, एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जब हार्मोन सेक्रीट होता है तो इसका स्पेशल फीचर क्या है? ये एक वैसोडायलेटर है। अब तक हमने जितने भी पढ़े कैसे पढ़े? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन ये कैसा है? वैसोडायलेटर। मतलब क्या? ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट है उसको डायलेट कर देगा। अब हमें एक चीज पता है कि अगर कोई सपोज करो पाइप है ना, वहां से पानी जा रहा है, अगर आपने उसका डायमीटर बढ़ा दिया तो पाइप से जो पानी बह रहा था उसका फ्लो कम हो जाएगा, है ना। कभी आपने क्या किया गार्डन में, कभी पानी दिया पौधों को, तो यहां पर देखा होगा ऐसे जहां से ओपनिंग, जहां से निकल रहा होता है पानी, वहां पर ऐसे थम से अपने अंगूठे से ऐसे दबाते हैं, तो जैसे ल्यूमेन कम होता है आप देखिए बहुत तेजी से आगे की तरफ पानी जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, है ना। जैसे आप छोड़ते हैं पानी नजदीक ही गिरने लगता है, सेम यहां पर चीज। तो ये क्या है? वैसोडायलेटर। ल्यूमेन को बढ़ा दिया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पर देखिए, तो ये वैसोडायलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया जिसकी वजह से बीपी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब बीपी डिक्रीज हुआ तो आपका जीएफआर भी कम हो गया, किडनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगी। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इन दोनों वीडियो में हमने देख लिया कि किडनी का कैसे रेगुलेशन होता है और किडनी हमारी जान कैसे बचाती है। क्लियर है? कोई अदर टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।